बॉलीवुड कपल रणबीर कपूर और आलिया भट्ट अपने परिवार के साथ राजस्थान में छुट्टियां मना रहे हैं। कपूर और भट्ट परिवार के साथ रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण भी उसी होटल में रुके हुए हैं। इसी बीच आज रणवीर आलिया की सगाई की खबरें सामने आई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों आज रणथंबोर में सगाई करने वाले हैं, मगर रणधीर कपूर ने सगाई की खबरों को अफवाह बताया है। उन्होंने कहा है कि दोनों परिवार सिर्फ नया साल साथ में मनाने गए हैं। रणधीर कपूर ने इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में कहा, सगाई की खबर सच नहीं है। अगर आज रणवीर और आलिया की सगाई हो रही होती तो मैं और मेरा परिवार भी उनके साथ वहां होता। रणवीर आलिया नीतू न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए वहां गए हैं। सगाई की खबर एकदम गलत है। इस नए साल पे रणबीर एक नया धमाका भी करने वाले हैं। रणबीर कबीर सिंह के डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा के साथ फिल्म में काम करने जा रहे हैं। इस नई फिल्म की अनाउंसमेंट एक वीडियो के साथ होने वाली है, जिसे रणबीर ने वेकेशन पर जाने से पहले फाइनल कर दिया था। बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा और विराट कोहली जल्द ही माता पिता बनने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले अनुष्का ने एक मैटर्निटी फोटोशूट कराकर सबको हैरत में डाल दिया। ये फोटोशूट उन्होंने वोग मैगजीन के लिए करवाया है, जिसमें वो अपना बेबी बम्प फ्लॉन्ट करती हुई नजर आ रही हैं। इसके साथ ही अनुष्का ने वोग मैगजीन को दिए इंटरव्यू में अपने आने वाले बच्चे को लेकर कहा है कि हमने उसे सोशल मीडिया से दूर रखने का फैसला लिया है। डेटिंग की खबरों के बीच सिद्धार्थ मल्होत्रा कियारा आडवाणी के साथ नए साल का जश्न मनाने के लिए निकल पड़े हैं। वहीं दूसरी तरफ ईशान खट्टर भी अपनी फिल्म खाली पीली की को एक्टर अनन्या पांडे के साथ एयरपोर्ट पर नजर आ रहे हैं। खबरें हैं कि सिद्धार्थ कियारा और ईशान अनन्या दोनों ही मालदीव में अपना अपना वेकेशन मनाने के लिए निकले हैं। सोशल मीडिया पर सलमान खान का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में सलमान खान अपने देसी अंदाज में खाना बनाते हुए नजर आ रहे हैं। सलमान खान चूल्हे पे खाना पका रहे हैं और उनका साथ बानी काग दे रही है। इस वीडियो को अब तक 4 मिलियन से भी ज्यादा बार देखा जा चुका है। नेहा कक्कड़ का ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वो टोनी कक्कड़ के गाने लैला सॉन्ग पर जबरदस्त अंदाज में डांस करती हुई नजर आ रही हैं। सुशांत सिंह राजपूत की मौत आखिर कैसे हुई, इस सवाल का साफ जवाब किसी के पास फिलहाल नहीं है। सीबीआई को ये केस देने के बाद इसकी जांच कहां तक पहुंची, इसका जवाब सीबीआई ने बीजेपी के राजस्थान सांसद सुब्रमण्यम स्वामी को दे दिया है। स्वामी ने सीबीआई को पत्र लिखकर इस केस की प्रोग्रेस रिपोर्ट पूछी थी, जिसके जवाब में एजेंसी ने अब अपनी रिपोर्ट उनको भेजी है। एजेंसी का कहना है कि जांच जारी है, तो बड़े नतीजे पर तुरंत नहीं पहुंचा जा सकता। इसी के साथ ये भी बताया गया है कि एजेंसी ने इस बात से इनकार नहीं किया है कि ये साफ आत्महत्या का मामला है। जिस हत्या की आशंका सुशांत के फैंस लगातार जताते आ रहे हैं, उसे भी सीबीआई ने नहीं नकारा है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारत वर्ष पर।